हम अगला जो मैच होना है, क्योंकि आज के अगले मैच के बाद सारी छह टीमों के छह मैचेस हो चुके होंगे, अगला मैच है कराची और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। कराची की टीम में लाहौर की सॉरी इस्लामाबाद की टीम की तरह बहुत सारी चेंजेस हैं, और कराची की टीम से इमाद वसीम जैसा प्लेयर जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया वो भी इस बार नहीं है, और शान मसूद उनके कप्तान हैं। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस, क्या प्रेडिक्शन है आप दोनों की? क्या आरू साहब? मैं तो ये फील करता हूँ कि देखिए मुल्तान सुल्तान एक सेटल टीम है मेरे अपने नज़दीक, जैसे हम कह रहे थे कि लाहौर कलंदर सेटल टीम है। देखिए हम जैसे फवाद अगर हम कोई डिस्कस कर रहे होते हैं ना, ऑन पेपर स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं कि किसकी अच्छी है और किसकी भी, और अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्म करना चाहिए। जब वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर परफॉर्म नहीं करते तो इसलिए वो लूज़ करते हैं। इस वक्त भी जो मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान जो है वो बेटर टीम लग रही है। कराची में जैसे आपने बताया कि कितने नए प्लेयर्स आए हैं, उनको कॉम्बिनेशन बनाने में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, यही जो शान मसूद थे वो कल मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे, आज वो कराची से खेल रहे हैं। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द मोमेंट। व्यूअर्स को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारे एक्सपर्ट्स अपनी प्रेडिक्शन देते हैं इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। सेम जैसे हम भाई बात कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक होती है। T20 क्रिकेट ऐसी जिसमें नेदरलैंड भी आके साउथ अफ्रीका को मार सकते हैं, तो वो और पाकिस्तान जा सकता है। तो वो वही चीज को देखते हुए मुल्तान सुल्तान एक सेटल टीम नजर आ रही है। रिजवान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी जी जी, रिजवान मुल्तान की जितनी भी कामयाबी आप देखिए उसमें रिजवान आखिर तक खिलाते रहे और साथ साथ उनकी टीम चली है। शान अब एक नई टीम संभालेंगे, चेंज जैसे क्वेटा ने किया है, कराची की भी मैनेजमेंट बिल्कुल उसी तरह चेंज हुई है। तो हमारे व्यूअर्स को बताते चलें कि हमारे एक्सपर्ट्स अभी भी उसी तरह की प्रेडिक्शन है जिस तरह कल की हुई थी दोनों की तरफ से। मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू बी द टीम विच इज गोइंग टू विन द मैच टुडे, लेकिन ये हम कल जानेंगे कि होता क्या है। और हमेशा की तरह मैंने जो बची हुई टीम है उसको लिया है, सो कराची, आई एम गोइंग टू गो विथ कराची, और उम्मीद है कि हम कराची में बैठे हैं और ये अच्छा मैच होगा लाहौर में और कराची की टीम विल कम आउट विनर। और ये जो PSL का आगाज हुआ ना बहुत एक्साइटिंग है, इस्लामाबाद का जीतना जरूरी था, क्वेटा का जीतना जरूरी था, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टीम्स आर गोइंग थ्रू चेंजेस, तो बड़ा अच्छा है कि ये टीमें जीते हैं। सो लेट्स गो द यू नो सीक्वेंस कंटिन्यूज और कराची भी जीतती है ताकि एक्साइटिंग हो जाएगा PSL सीजन 9। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।